लौकी और प्याज के पकौड़े को आसान तरीके से बनाए हैं। इन सारे सामग्रियों को पेस्ट बनाकर पकौड़े को मीडियम आंच पर डीप फ्राई किए हैं, जो आसानी से पक गया है, खाने में टेस्टी है। एक बार आप भी ट्राई करके देखें बनाकर इन पकौड़े को। बाउल में प्याज डालेंगे 1 कप, आधा कप कद्दूकस किया हुआ लौकी, 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, गोलकी पाउडर 1/2 चम्मच, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1/2 छोटा चम्मच नमक स्वाद अनुसार। इन सारे सामग्रियों को मिक्स करेंगे। इन सारे सामग्रियों को मिक्स कर लिए हैं। बेसन 1 कप। इन सारे सामग्रियों को मिक्स करेंगे। इन सारे सामग्रियों को मिक्स करेंगे। इन सारे सामग्रियों को हमने मिक्स कर लिया है। इन सामग्री को जो पेस्ट बनाए हैं उस पर हमने पानी नहीं डाले हैं। लौकी पानी छोड़ी है, इसीलिए इन सामग्रियों में हमने पानी नहीं डाला। तेल गर्म हो गया है। लौकी और प्याज के पकौड़े को डीप फ्राई करेंगे। मीडियम आंच में डीप फ्राई करेंगे। पकौड़े को पलटेंगे। पकौड़े को उलट पलट कर पकाएंगे। पकौड़े अच्छे से पक गए हैं। पकौड़े को प्लेट में रखेंगे। लौकी और प्याज के पकौड़े रेडी हो गए हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।